अब दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ कि माइनस टेम्परेचर में जहाँ बर्फबारी हो जाती है तो वहाँ पे अपनी मुर्गियों को कैसे रखते हैं। चलो मैं आपको दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं बिल्कुल खुश है, टेम्परेचर माइनस में फिर भी आप देख सकते हैं वो बहुत ही अच्छे से रह रही है। मैं अंदर जाके आपको दिखा रहा हूँ, ये जो कि मुकामी बर्ड है यानी घर की पाली हुई मुर्गियाँ हैं, तो आप देख सकते हैं इन्हें फीड नहीं खिलाते, इन्हें साफ गंदम खिलाते हैं। ये गंदम खड़ा हुआ है अभी भी, ये रोटी भिगो के इनको खिलाते हैं, क्योंकि वो देखे देख सकते हैं रोटी भिगो के इनको खिलाते हैं, फिर भी इन्हें सर्दी नहीं लग रही, बहुत ही खुश है। इनको इस मौसम में नीम गर्म पानी देते हैं, बिल्कुल नीम गर्म पानी, इनको ठंडा पानी नहीं देते, नीम गर्म पानी देते हैं। और ये देख सेहतमंद है सारी, इनको कोई भी बीमारी नहीं है, ना इनको जुकाम है ना कुछ और। ये अस्लोप है, यही सीजन में सर्वाइव कर रही है, लेकिन इससे पहले हम पंजाब से लाए थे तो वो वहाँ की पली हुई थी गर्म इलाके की, हम वो लाए थे तकरीबन मार्च में, लेकिन वो मार्च का मौसम भी बर्दाश्त नहीं कर सकी और सारी की सारी मर गई। ये जी उनके अंडे बच के हम लोगों ने इनको हेच किया, इंक्यूबेटर में रख के हेज किया, ये उनके बच्चे सारे, ये उनके अंडे से निकले हुए, वो तकरीबन 12 मुर्गियां थी और सारी की सारी मार। अलग नस्ल है, ये हमारे पास दो मुर्गियाँ और एक मुर्गी पड़ी हुई, वो देख सकते हैं इसकी फीमेल है, ये वाली येलो कलर की, और ये एक अलग नस्ल है जिनके पैरों पे बाल होते हैं, और ये वाला इसी तरह का एक और मुर्गा है हमारे पास, ये लंबे लंबे छोटे छोटे से होते हैं, इनका साइज देखिए, बाकी अस्लोप के मुकाबले भी इनका साइज देखिए, यहाँ पे आप देख ले, ये बिगा हुए बिगी हुई रोटी बहुत ही शौक से खाते हैं, बहुत ही शौक से।
इनके अंदर जो इन्हें इनको हम रात में कहाँ रखते हैं, इनको रात को हम यहाँ रखते हैं। ये देखो अभी भी तीन परिंदे इधर ही, ऐसी जगह बनाई हुई है बिल्कुल गर्म, ताकि एक दूसरे के साथ रहे और गर्म रहे। ये स्लोप लड़ते बहुत है, बहुत ज्यादा लड़ते हैं, आप देख सकते हैं इनकी हालत। इस वाले की अलग देख सकते हैं, इनको इतना काटा हुआ है, ये देख बहुत लड़ते हैं। कल रात को इनके चोंच काटे थे, जो कि मुर्गे बहुत ज़्यादा हैं और मुर्गियाँ बहुत ही कम हैं, 10 मुर्गे और 15 मुर्गे हैं, तो इसलिए हमने इन मुर्गों के एक पैर बांध दिए इस तरह। एक काम ही तरीका है इस तरह, ये मुर्गियों को तंग भी नहीं करते। कुछ के पैर अभी भी रहते हैं जो बांधने, कुछ के पैर अभी भी बांधने बाकी हैं। ये देख सकते हैं इसका पैर बनना, टांगे दोनों बंधी हुई है, देख सब के दरमियान ये एक छोटा सा चूजा, ये देख ये भी इनके साथ ही रहता है। ये तीन चूजे थे, दो मर गए और ये एक ही बच गया, और ये इनके साथ रहता है और बचा हुआ है, अभी तक सर्वाइव कर रहा है। बाकी दो जो है वो हमने अलग रखे हुए थे, पता नहीं वो मारे गए, सर्दी की वजह से मर गए, क्या हो गया। आप ये देख ले, ये अभी भी सेहतमंद है। इनका साइज चेक करें, ये आप देख ले साइज चेक करें। ये जो दो, ये मुर्गा और ये मुर्गी जो आपके सामने है, येलो कलर की, ये पेरेंट्स है किन के, ये किन के पेरेंट्स है, ये पिछली बार का ये एक बच्चा हुआ है, इनके पेरेंट्स है ये, बिल्कुल आप देख सकते पिछले वाले मुर्गी की तरह है, बिल्कुल उसी तरह है, साइज भी वैसी है। और इनके पेरेंट्स को देख ले, स्पेशली इनके, ये देख ले ये इनके पेरेंट्स, दोनों का साइज चेक कर ले, साइज चेक कर ले, इस वाले मुर्गे का साइज चेक कर ले, देखें, और दूसरे वाले का साइज चेक कर, इसी तरह दूसरे वाले का साइज चेक करें। ये बहुत ही खूबसूरत परिंदा है, बहुत ही मज़ेदार, वैसे अब देखा स्लॉप के साथ ही खड़ा है, फिर भी साइज देखो। चलो अभी इनको इसी मौसम में छोड़ देते हैं,
सर्दी आज मुझे काफी खुश है देखे। अलग अलग रह रही, इसका मतलब इनको सर्दी नहीं लग रही। चलो अल्लाह हाफिज़, फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में।